आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना वड़ा। साबूदाना बड़े बनाने के लिए मैंने हाफ कप साबूदाना लिया है, उसे मैंने 4-5 घंटा पानी में भिगो दिया था और ये अच्छे से फूल गए हैं। आप देख सकते हैं एकदम खिले खिले। जितना साबुन लिया है उतना ही पानी लीजिएगा। अब मैं हरा धनिया, पीसी हुई मूंगफली जिसे मैंने भून लिया था, हरी मिर्च, नमक और चीनी, आलू और नींबू, इन सबको मिला के हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं उबले हुए आलू लूँगी। मैं आलू को अच्छे से बॉईल कर लूँगी। मैंने हाथों की मदद से ही आलू को मैश किया है। मैंने हाथों को अच्छे से धो लिया था। आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। अब मैं इसमें भीगे हुए साबूदाने, मैंने छोटे दाने के साबूदाने लिए हैं, इसे पहले से मैंने भिगो दिया था। इसमें भुनी हुई रोस्टेड मूंगफली का दरदरा कूटा हुआ, हरी मिर्च, हरा धनिया के कुछ पत्ते, नमक और चीनी। वो फास्ट में बना रहे हैं तो सेंधा नमक इस्तेमाल कीजिएगा, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नींबू का रस। इन सब को हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। हाथों की मदद से आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि सारा मसाला साबु आलू मिक्स हो जाए। अब मैं इसकी छोटी छोटी टिकियाँ बनाऊंगी। मैं पहले इसको गोल कर लूंगी। अब हाथों की मदद से चपटा करके साइड से इसको रोल कर लूंगी। इसी तरह मैं एक एक करके सारे साबुदाने की को टिकिया का आकार दे दूंगी। बहुत अच्छे से हमें इसे रेडी कर लेना है। ये रेडी हो गए हैं, अब ये तलने के लिए तैयार हैं। मैंने रिफाइंड तेल लिया है, आप चाहे तो घी में भी तल सकते हैं। अब मैं एक एक करके इन्हें फ्राई कर लूँगी। एक साइड गोल्डन हो जाएगा तो मैं दूसरा साइड इसे टर्न कर दूँगी। दोनों साइड हो गए हैं, एक शिफ्ट बाहर निकाल लिया है, दूसरा भी बन के तैयार है। साबूदाना वड़े ये व्रत में खाए जाते हैं, आप बग़ैर व्रत के भी खा सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट होते हैं और झटपट बनके तैयार भी हो जाते हैं। आप इसे घर में ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।